1977 पश्चिम बंगाल के इतिहास का वो साल जब राज्य से कांग्रेस का सफाया हो गया और वाम मोर्चे की सरकार बनी। तब किसी को नहीं मालूम था कि बंगाल वामपंथ का गढ़ बनने वाला है। मुख्यमंत्री बनते ही ज्योति वसु ने भू सुधार का जो फैसला किया, उस फैसले ने वाम मोर्चे की सरकार के पांव बंगाल की राजनीति में अंगद की तरह जमा दिए। इन्हीं सुधारों के बल पर बंगाल में 34 साल तक वाम मोर्चे की सरकार रही। जमीन के नाम पर सत्ता में आई वाम मोर्चे की सत्ता 34 सालों बाद जमीन की ही भेंट चढ़ गई और बंगाल में वामपंथ का किला उखड़ गया। जिस भूमि आंदोलन ने वामपंथ के किले को उखाड़ दिया वह था सिंगूर आंदोलन। लेकिन सिंगूर आंदोलन तक पहुंचने से पहले उस भूमि सुधार का जिक्र बहुत जरूरी है जिसके दम पर बंगाल वामपंथ का किला बना। बंगाल में भूस्वामियों को कुलक कहा जाता है। बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार बनते ही इन भूस्वामियों से जमीन लेकर बटाईदारों के बीच बांट दिया गया। करीब 16 लाख बटाईदारों को कानूनी हक दिलाने के लिए कानून बना। इस कानून ने वाम मोर्चा को एक बड़ा वोट बैंक प्रदान कर दिया। उसके बाद आया साल 2006 जब भूमि आंदोलन ही वामपंथ का कब्र बन गया। दरअसल बंगाल के वामपंथ काल के दौरान बंगाल हड़तालों और हिंसा के लिए कुख्यात हो गया था। उद्योगों का पलायन हो चुका था। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य की छवि बदलने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का फैसला किया और टाटा की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नैनो को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। कोलकाता शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले में है सिंगूर। इसी सिंगूर में टाटा मोटर्स की तरफ से करीब 1000 एकड़ जमीन पर नैनो की कारों के उत्पादन के लिए प्लांट बनना था। सीपीएम की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार ने सिंगूर के 5 गांव गोपाल नगर, सिंघेर भेरी, बेराबेरी, खसेर भेरी और बाजे मेलिया के 9000 से अधिक किसानों से लगभग 997 एकड़ जमीन लेने की योजना तैयार की। सरकार जमीन अधिग्रहण करवा रही थी। करीब 6000 किसानों ने जमीन देने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए। उन्हें उम्मीद थी कि उद्योग आएगा तो उनके दिन बहुरेंगे। टाटा ने फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया लेकिन बाकी किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। उन्हें लग रहा था कि सरकार उनकी जमीन पूंजीपतियों को दे रही है, इसके बावजूद सरकार जबरदस्ती उनकी भी जमीन लेने लगी। तभी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन फूट पड़ा। किसानों की आशंकाओं को और हवा दी। सत्ता में आने को बेचैन ममता बनर्जी ने सिंगूर की आँच को उन्होंने महसूस कर लिया और उन्हें सामने से मौका दिखा इस आँच पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सेकने की। सिंगूर में टाटा के प्लांट लगाने के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसको देखते हुए साल 2008 में टाटा ने अपना प्लांट सिंगूर से बाहर ले जाने का फैसला किया और सिंगूर के वे किसान जो अपनी जमीनें स्वेच्छा से दे रहे थे इस उम्मीद से कि यहाँ उद्योग आएगा तो उनके दिन बहुरेंगे, चुपचाप देखते रह गए। इस आंदोलन ने ममता बनर्जी को किसान हितैषी नेता तो बना दिया और उन्होंने 2011 के विधानसभा में वाम मोर्चे का किला उखाड़ दिया। लेकिन बंगाल को क्या मिला, ये सवाल आज भी बरकरार है। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने किसानों की जमीन वापस लौटाने के लिए कानून बना दिया। इस एक्ट में राज्य की सरकार को यह अधिकार था कि वह 997 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले सकती थी। टाटा ग्रुप ने इसका विरोध किया जिसके बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 31 अगस्त 2016 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर 997 एकड़ जमीन किसानों से लेने की बात कही थी। वह 12 सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही ममता बनर्जी ने सिंगूर में एक जनसभा आयोजित कर जमीन देने वाले किसानों को उनके खेत के मालिकाने से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए। ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जीत थी लेकिन सिंगूर के किसानों के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। इसका एहसास उन्हें आज 15 सालों बाद होता है। जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन नैनो प्लांट के लिए दे दी थी उन्हें यह आंदोलन कभी न भरने वाला जख्म दे गया। जिन्होंने इस जमीन के लिए आंदोलन किया उन्हें अब एहसास होता है कि खेती खर्चीली हो गई है और मुनाफे का सौदा भी नहीं रहा। काश यहाँ फैक्ट्री ही लग गई होती। लेकिन ये राजनीति है, चलती रहेगी। किसी को किसानों का हितैषी बनना है तो किसी को उद्योग लगाने हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज भी बंगाल की जनता वहाँ पिस रही है।